सो फाइनली दोस्तों ब्लडी डैडी का ट्रेलर आउट हो चुका है। ट्रेलर को रिव्यू करने से पहले सबसे पहले दो बातें दोस्तों, पहली बात ये फिल्म भी रीमेक है और दूसरी बात दोस्तों इस फिल्म का बजट 60 से 70 करोड़ का है। इतने मैसिव बजट की फिल्म में थिएटर में क्यों नहीं आ रही है, क्या है इसके पीछे का सच? और ये OTT पर ही क्यों आ रही भैया, वो भी जियो स्टूडियो के, क्या है इसके पीछे का सच? पूरी खबर दूंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जैसा मैं बोलता हूं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ब्लडी डैडी का ट्रेलर आउट हो चुका है और इसके जो प्रोडक्शन हाउस है दोस्तों वो जियो स्टूडियो है। और आपको बता दूं इसके जो डायरेक्टर है अली अब्बास जफर, ये वही है जिन्होंने सुल्तान मूवी सलमान खान की डायरेक्ट किया था। आपको बता दूं इसके जो प्रोड्यूसर है दोस्तों ज्योति देशपांडे है। फिल्म का बजट महज 60 से 70 करोड़ का है और इस ट्रेलर की शुरुआत दोस्तों होती है एक बैकग्राउंड आवाज से। एक फादर की कहानी है जो अपने बच्चे को ड्रग और माफिया से बचाने के लिए पूरा प्रयास करता है। एक रात और एक नर्क की कहानी बताई गई है और दोस्तों ये कहानी कुकिन और गुड़गांव के इर्द गिर्द घूमती है। माफियाओं से बचाता है अपने बच्चे को, बच्चा होता है दोस्तों शाहिद कपूर का। शाहिद कपूर एक लविंग फादर होते हैं जो अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। दोस्तों ट्रेलर जो है काफी ज्यादा बिंदास लग रहा है, अमेजिंग, और मैं नहीं समझता कि यार ये फिल्म OTT पर रिलीज होनी चाहिए थी। इस फिल्म को तो यार थिएटर मिलना चाहिए था क्योंकि ये फिल्म थिएटर के लिए बनी है। सुपर मास मसाला एक्शन फिल्म है और मुझे लगता है ये शाहिद कपूर के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म भी हो सकती है क्योंकि दोस्तों ये फिल्म के अंदर ना टोटली एक्शन है। इस ट्रेलर की शुरुआत दोस्तों शाहिद कपूर से होते होते संजय कपूर और रोनित रॉय तक घूमती है, जिसमें संजय कपूर जो है बेसिकली कुकिंग के पीछे पड़े होते हैं, रोनित कपूर से एक डील कनेक्शन होता है और शाहिद कपूर जो है कुकिंग जो वापस करने जाते हैं रोनित रॉय के घर पे, जहां एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है जहां पे संजय कपूर भी आते हैं। साथ ही साथ दोस्तों खूबसूरत हीरोइन डायना पेंटी भी इसमें नजर आएंगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें कॉमेडी भी है जिसके अंदर कैसे कुकिंग की जगह आटा सप्लाई कर देता है शाहिद कपूर और संजय कपूर जब ये टेस्ट करता है तो कहता है कि मुझे कोई स्वाद क्यों नहीं आ रहा, तो सामने वाले बंदे ने कहा था कि भैया आपको स्वाद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपको कोविड हो गया है। सो दोस्तों ये कहानी जो है कोविड के टाइम की है, जब कैसे सब कुछ लॉकडाउन होता है और लोग पार्टी के लिए ड्रग्स और इन सब चीजों की सप्लाई ज्यादा बढ़ जाती है, यही कुछ दिखाया गया है इस फिल्म के अंदर भी। और नो डाउट दोस्तों एक्शन कमाल के हैं और साथ में आप देख सकते हो कि शाहिद कपूर अलग ही एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं। यहां तक कि रोनित रॉय की एक्टिंग भी लाजवाब लग रही है, संजय कपूर भी दोस्तों एक नए वर्जन में नजर आ रहे हैं, डायना पेंटी बहुत हॉट लग रही है इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर हर वो एक मास मसाला है, चाहे वो बंदूक से खून करते हुए नजर आ रहे हो, चाहे तलवार से खून करते हुए नजर आ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक रात और एक नर्क की कहानी दिखाई गई है दोस्तों। आखिर फिल्म मेकर्स ने OTT पर रिलीज करने का क्यों सोचा? तो दोस्तों दो तीन बातें हो सकती है। पहली बात कि जियो स्टूडियो का ही बैनर है, यानी कि पैसा जियो स्टूडियो ने लगा रखा है और हो सकता है कि इसके सारे राइट जियो स्टूडियो के पास हो और जो फिल्म मेकर्स है और जो शाहिद कपूर एक्टर है इन सबको दोस्तों पेमेंट मिल गई हो, यानी कि पूरे राइट जियो स्टूडियो के हैं। और आपको बता दूं कि 9 जून को दोस्तों आप लोग इस फिल्म को देख सकते हो फ्री में। आप प्ले स्टोर से जियो स्टूडियो डाउनलोड करो, वहां इस नए फिल्म को, यानी कि ये फिल्म जो है दोस्तों टोटली फ्री है, आप फ्री में देख सकते हो, कोई चार्ज नहीं पे करना। सबसे अच्छी बात तो शाहिद कपूर के फैंस के लिए मैंने अभी बताई है। सोचने वाली बात यह है कि अगर ये फ्री में ही रिलीज हो जाएगी तो दोस्तों क्या फायदा है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों जियो स्टूडियो का फायदा यह है कि जियो स्टूडियो का नया OTT प्लेटफॉर्म रिलीज हुआ है और ये जिस हिसाब से मार्केट है जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, हॉटस्टार हो गया, जियो स्टूडियो भी दोस्तों अपने इस फिल्म एंटरटेनमेंट में OTT प्लेटफॉर्म को खड़ा करना चाह रहा है जो नेटफ्लिक्स को टक्कर दे। जियो स्टूडियो क्या काम कर रहा है कि जितने भी बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स है उनसे वो फिल्में ले रहा है, चाहे वो एक्सक्लूसिव राइट पे ले रहा हो चाहे वो इंक्लूसिव राइट पे ले रहा हो। सो दोस्तों आपको बता दूं कि ये फिल्म भी रीमेक है 2011 की फ्रेंच फिल्म न्यूट ब्लैंच और स्लीपलेस नाइट, और इसके जो मेन एक्टर थे टॉमर सीजले थे। आपको बता दूं दोस्तों कि ये पहली फिल्म नहीं है कि ब्लडी डैडी, इससे पहले भी बहुत सारी मल्टी लैंग्वेज में ये फिल्म रीमेक में क्रिएटेड है। आपको बता दूं कि तेलुगु में, तमिल में कमल हसन ने भी इस रोल को प्ले किया हुआ है, थूंगा वंगम के अंदर और चिगाती राज्यम के अंदर। तो दोस्तों ये तमाम फिल्में ऐसी हैं जो फ्रेंच फिल्म जो स्लीपलेस नाइट है ना उसकी रीमेक है और ये ब्लडी डैडी भी रीमेक ही है दोस्तों, ये कोई
कोई नई कहानी नहीं है, कहानी में मतलब कुछ आपको नया नहीं मिलेगा जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। कहानी आपको ऐसा लगेगा कि आपने इससे पहले कभी देखी है, हाँ, लेकिन इसमें आपको शाहिद कपूर का जो स्टाइल है, जो एक्शन है, जो बैकग्राउंड है, जो म्यूजिक है दोस्तों, वो कुछ अलग लगेगा। और जिस हिसाब से शाहिद कपूर की पर्सनैलिटी है, ये रोल उन पर शूट भी करता है। और तो और दोस्तों, कुछ फैंस तो ये कह रहे हैं कि यार ये शाहिद कपूर का करियर खत्म हो गया है, क्योंकि इससे पहले शाहिद कपूर की फर्जी आई थी, वो भी OTT पर रिलीज हुई थी और उसमें विजय सेतुपति थे। और दोस्तों ये फर्जी एक कहानी थी बेसिकली जाली नोट छापने वाली गैंगस्टर की। उससे पहले दोस्तों आई थी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जर्सी, जिसमें एक इमोशनल कहानी थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, दोस्तों वो भी फिल्म फ्लॉप गई। हालांकि थिएटर रिलीज थी लेकिन दोस्तों वो भी फ्लॉप गई थी। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है शाहिद कपूर इस बात से डरे हो कि थिएटर में उनकी फिल्म फ्लॉप हो रही, इसलिए उन्होंने OTT पर रिलीज करने का सोचा हो। यह भी एक डर हो सकता है, क्योंकि इस साल जितनी भी फिल्में रिलीज हो रही है, चाहे वो शहजादा हो, चाहे दोस्तों सेल्फी हो, ये तमाम बड़ी फिल्में भी फ्लॉप हो गई है, तो शायद फिल्म मेकर्स को इस टाइप का डर भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने जियो स्टूडियो पर रिलीज करने का सोचा और शायद पेमेंट भी अच्छी मिल गई हो। दोस्तों आपको बता दूं कि शाहिद कपूर की अपकमिंग एक और फिल्म आने वाली है जिसका टाइटल भी अनाउंस नहीं हुआ है, और कीर्ति सैनन के साथ दोस्तों एक पोस्टर शेयर हुआ था, और इस पोस्टर के अंदर दोस्तों बाइक के अंदर वो बैठे हुए हैं, और आप देख सकते हो कि कैसे लव और रोमांस से भरा हुआ पोस्टर है, और एक ये कहानी बेसिकली रॉबर्ट और इंसान के लव स्टोरी के बीच की है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये ब्लडी डैडी का ट्रेलर, और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये फिल्म भी बहुत अच्छी हो और शायद शाहिद का पूरा करियर यहां से यहां बढ़ जाए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक कमेंट करो, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार दो, और मैं थैंकफुल हूं, ग्रेटफुल हूं मेरे ऑडियंस का, मेरे व्यूअर्स का, जो मुझे इतना प्यार कर रहे, इतना सपोर्ट कर रहे, मेरी हर वीडियो पे लाइक कर रहे, कमेंट कर रहे, और खास तौर से थैंक्स टू अनिकेत ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, आप इतना सपोर्ट कर रहे हो हमें, थैंक यू। और भी जो मेरे व्यूअर्स हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आप मेरी वीडियो को देखते हो, इतने टाइम निकाल कर मेरी वीडियो को देखना, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, और हाँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब।